ये ट्रेन मणिपुर स्टेशन से गुजर रही थी, होम स्टार्टर से निकल रही थी, तो इसके 13 डिब्बे जो हैं डरेल हो गए। वो डिब्बे हैं इंजन से 9वां डिब्बा से शुरू होता है और 22वें डिब्बे तक ये डरेलमेंट हुआ है। और अभी इसमें कैजुअल्टीज की कोई खबर जो है वेरीफाइड नहीं मिली है। कुछ लोग घायल हुए हैं और तुरंत जो है घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है मणिपुर में और चित्रकूट में। और हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी जो हैं डिफरेंट स्टेशन्स पे वो फ्लैश की हैं मीडिया के पास, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। माननीय केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल जी घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। उन्होंने रेलवे प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बेहतर से बेहतर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था हो। ये घटना जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद है, उसके इलाहाबाद डिवीजन में हुई है। और ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट है जहां घटना हुई है। तो हमारी मेडिकल ट्रेन वगैरह सब इलाहाबाद से रवाना हो चुकी है और जब तक शायद आपसे बात करता हूं वो पहुंच भी चुकी होगी। जनरल मैनेजर जो इलाहाबाद में हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के, चौहान साहब, वो बाई रोड साइड के लिए रवाना हो गए हैं। डिवीजनल रेलवे मैनेजर इलाहाबाद डिवीजन के श्री एस के पंकज साहब, वो साइड के लिए रवाना हो गए हैं। हमारी जो क्रेन्स हैं, हमने झांसी, कटनी, कानपुर इधर से भी रवाना की हैं क्रेन जो बाद में पहुंचेंगी। और अब स्थिति यह है कि पूरा रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावकारी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है।